लगता है ना कि फोन लगा लिया करो, अपना दुख हल्का कर लिया करो, दीदी बहन जो भी रिश्ता हो। मैं समझ जाती हूँ कि दुख हल्का नहीं है हमारे राज लेके, कहीं का कहीं तुम भोंकोगे, इसलिए हमसे बात ही मत करो। तो कोई भी हो हम बात नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। शाम का टाइम है और ना लाए नहीं है, मैं आई थी किचन में, तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। और कल से मिर्च रखी हुई है यहाँ पर नीचे, तो डब्बा ही नहीं हुआ था, फिर डब्बा कोई ऐसा कुछ खाली करके मैं रख दूँ, पर अब मुझे डब्बे की व्यवस्था मैं कर रही हूँ। श्रेया गई हुई है छत पर और हम कर लेते हैं काम। चलो तो डब्बा मिल गया है, बड़ी व्यवस्था करनी होती है यहाँ पर। इसमें मैंने चढ़ाए हुए हैं आम, तो कुछ कच्चे आम हैं जिसको मैं बॉईल कर रही हूँ, पना बनाऊंगी मैं। सर में दर्द है आज दोपहर से, इसलिए मैंने कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया। तो अभी मैंने दाल चावल बनाए हुए हैं, दाल में शौक नहीं लगा थी, लगी था। अपनी दिल की बात कह दी सभी ने, मेरे दिल तो फ्रेंड्स किचन में आ गई हूँ और शाम का टाइम है। आज का व्लॉग आज ही जा रहा है, मेरे सर में दर्द है तो मैंने ताज़ा ताज़ा ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना ठीक समझा, क्योंकि मैं पहले के व्लॉग अगर वो जो वीडियोस क्लिपें रखी हुई हैं उनको एडिट करती तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बोला चलो आज का वीडियो आज ही अपलोड कर देती हूँ। आज है मंगलवार और 7 तारीख है, कल 8 तारीख रहेगी क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है, तो आप लोग भी चलिएगा कल। बस कल के लिए मुझे प्रे करिएगा कि सब कुछ अच्छा हो। तो यहाँ पर मैं मिर्च रखने के लिए एक डब्बा ढूंढ रही थी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना कि किसी डब्बे में थोड़ा सामान रहता है, किसी डब्बे में ज़्यादा रहता है, तो मैं वही कुछ देख रही थी कि किस डब्बे में कितना है, तो उस तरीके से मैं सेट कर ले रही हूँ। तो और यहाँ पर जमा भी दे रही हूँ अच्छे से। अभी मिर्च इसमें रख दूँगी क्योंकि पहले जो कल के दिन मैंने कुछ कुछ किया है तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, वो मैं कर दूँगी। थोड़ा सा लेट वीडियो आएगा, पर मैंने आज कही क्योंकि आधी मिर्च मैं रख चुकी हूँ कहीं पर, तो वो सब कुछ मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी क्या है, देखो गर्मी के बाद बरसात भी लगेगी, चीज़ें सुखा सुखा कर हम रख तो रहे हैं पर उसको अच्छे से रख दें, तो मैं पॉलीथिन में पैक करना ठीक समझती हूँ। तो यहाँ पर ये उड़द की दाल भी थी और इसमें अच्छे से ऐसे पॉलीथिन लगा करके और फिर मिर्च रख देंगे हम। और कल आप लोगों ने बताया कि सूजी को रोस्ट करके अपन फ्रिज में रख सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि मुझे पता नहीं होती और आप लोग जो भी गलती होती है या कुछ भी होता है तो आप लोग बताते हो, वो चीज़ से मुझे अच्छा लगता है वो जानकारी जान करके। और जैसी भी हूँ जो भी है मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल, जो गलती भी होती ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कि व्लॉग का मतलब यही होता है, रियलिटी बताओ, स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए कि बनावटी हो। क्योंकि जैसे कल मेरे को एक कमेंट आया था कि आप नाक से बोलते हो, तो मैं नाक से नहीं बोलती हूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसे ही है। मैं 4 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप लोग कभी भी देख सकते हो, जो भी मेरे डेली व्यूवर्स हैं वो लोग चेक कर सकते हैं कि मैं कैसा बोलती हूँ। यह आम बॉयल हो रहे थे, पना बनाऊँगी और ये फिर दाल बन चुकी है, इसमें छौंक लगाना है और साथ में चावल भी बन गया है। तो पना मैं कल के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा ठीक लगेगा, या रात में अगर खाना खाने के बाद थोड़ा ठीक लगा तो मैं पी लूँगी, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो यहाँ पर मैं सिंक के पास उड़द की दाल फटक ले रही हूँ और इसको मैं रख दूँगी।
और मिर्च मैंने भरी दी है। तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए और सही सही बताना चाहिए। रही बात नाक से बोलने की, कई क्योंकि देखो लोग हैं, सब लोगों का नज़रिया अलग अलग रहता है। कोई हमें कैसे देखना पसंद करता है, कोई कैसे देखना पसंद करता है। किसी को लगता है हम नाक से बोलते हैं, किसी को लगता है हम धीरे बोलते हैं, किसी को लगता है हम तेज़ चिल्ला के बिल्कुल गोली मार रहे हैं अपनी बातों से। तो सबका अलग अलग नज़रिया रहता है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। मैं कोई भी, चाहे मैं गुस्से में रहती हूँ तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और ठीक ठाक मूड रहता है तो भी आप लोग जानते हो जो डेली व्यूवर्स हैं। तो जैसी हूँ वैसे ही आ जाती हूँ। मैं कोई बनावटी तो करती नहीं हूँ। हाँ शॉर्ट वीडियो में कुछ एक्ट वैक्ट कर लिए तब की बात दूसरी है, अदरवाइज़ मेरे ऐसे कोई भी ब्लॉग नहीं रहते हैं कि मैं कोई बना बना के करूँ या अच्छा दिखने के लिए करूँ या पागलपंती मुझे नहीं आती है। कि कई कई लोगों के मैंने वीडियोस में देखा है कि किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है और बस बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। मुझे जो समझ में आता है, जितने मेरा दिमाग दौड़ता है उतनी मैं बातें करती हूँ, उतना ही मैं काम करती हूँ। आप लोग जो बताते हो कुछ नया समझ में आता है तो उसको ही फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। तो जो भी है, एक प्रकार से मेरा कुछ कभी कभी करने का मन नहीं करता पर वीडियो के लिए मैं कर लेती हूँ। तो अच्छा रहता है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कुछ करती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो ये चीज़ मैं कभी नहीं करती थी और ये मैंने किया। कोई भी रेसिपी है या कोई गलती सुधारना है कुछ भी है तो हम लोग एक दूसरे से ही सीखते हैं। कोई भी चीज़ बचपन से, बिल्कुल जब हमारा जन्म होता है तब से नहीं सीख के आते हैं। यहाँ पर हमारी पूजा पाठ हो रही है। श्रेया को मैंने बुलाया था कि श्रेया स्टोरेज भर चुका है तो थोड़ा ही क्लिप लेना। तो अब छत पे जा रहे हैं, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर तुलसी माता पर दिया रख देते हैं। हर घर में तुलसी होना चाहिए और शाम को दिया, सुबह यानी कि सुबह शाम पूजा होनी चाहिए। यही हमारे हिंदू कल्चर में है और करना भी चाहिए, हर घर में होता है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। तो फ्रेंड्स अभी खाना नहीं खाया है हमने और हमारा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं ना अभी ठंडा वाला ऑयल लगाऊंगी और पानी भी डाल लूँगी सर में। इधर ही पे तेल लगाऊंगी और यहीं पर अच्छा पानी डाल लूँगी तो वो ठंडा ठंडा लगेगा। हिमगंगी रखा हुआ है शायद, तो वही लगाऊंगी मैं। बहुत ज़्यादा सर्द, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ब्लॉग तो आप लोग देखते हो, शॉर्ट वीडियो भी देख लेते हो, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम कह नहीं पाते और ना ही कहने का यहाँ पर मन करता है। क्या बातें सुनाएं, क्या बोलें। कई लोग ऐसे ब्लॉगर होते हैं कि जो कह देते हैं सारे अपने मन की बात और जो भी चल रहा है। हम कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं बता सकते, उससे हम नहीं चाहते कि किसी की इंसल्ट हो या कुछ भी ऐसा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी, और इतना है कि हमको समझने वाला कोई नहीं है। हम यानी कि दुनिया बहुत बहुत शात्रीय टाइप की है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कह सकते हैं। आए दिन एक ना एक ऐसी बोलते हैं ना कि ये जो लाइफ चल रही है ना बहुत स्ट्रगल वाली है। कुछ मैं बताती हूँ कुछ नहीं बताती हूँ, बहुत सारी ऐसी टेंशनें होती हैं तो बताना ठीक नहीं है। हमारे पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमें खबर तो लग ही जाती है, पर हम भगवान के भरोसे हैं और भगवान से प्रार्थना ही करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि हमारी एक आदत है और हमने बचपन में भी एक चीज़ सुना था
बचपन से ही एक आदत है कि जब कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना तो मैं वो चीज़ को अपने यानी कि फॉलो कर लेती हूँ उस चीज़ को। तो एक मुहावरा कह लो या बड़ों की सीख कह लो, तो एक चीज़ कही गई थी कि ऐसी बैठक बैठिए जहाँ ना कोई कह पाए उठ, और ऐसी वाणी बोलिए जहाँ कोई ये ना कह पाए कि चुप। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। जब मुझे पता चलता है कि कोई व्यक्ति को हम अड़चन कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं कर रहा है, या फिर कोई हमारा आना या जाना पसंद नहीं कर रहा है, तो हम वहाँ उस सभा में जाना ही पसंद नहीं करते हैं। हमको पसंद ही नहीं है, हम ना अकेले रहना ठीक समझते हैं। चार बात कहीं पर हो उससे अच्छा अकेले रहो, और अकेले ही सबसे अच्छा वाला जीवन है। चार लोगों के बीच में रहेंगे, चार लोगों की बातें होंगी, हम भी कुछ भावनाओं में बह कर कुछ कह जाएं, फ्लो फ्लो में बातें कुछ कह जाएं, या फिर इसकी उसकी यहाँ से हो गई। तो ये सभी के साथ होता है। बहुत समझदार व्यक्ति रहते हैं कि बैठक में भी जो सभा रहती है वहाँ पे चुप रहते हैं, पर मैं उस सभा में बैठना ही पसंद नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि, और ज़्यादातर मैं ना लोगों से कट कर लेती हूँ, यानी कि मुझे, मैं किसी से बात ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसको लोग घमंड समझे या मेरा अकड़ समझे, जो भी समझना समझे, कि बाद में बातें बने उससे अच्छा अकेले ही रहो। होगा क्या दुख हल्का होगा, क्या बताएं हम अपना, क्या नहीं बताएं। इसलिए किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करो। लोग इस यानी संभावना तो दे देते हैं कि दुख हल्का होगा, हमसे बातें कर लो, तो वो लोग सुन के ना, तो कुछ लोगों की ये आदत होती है कि उस समय सुन लेंगे और उसके बाद ना वो बात को बढ़ा चढ़ा कर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाई जाती है। जो भी रिश्ता हो, मैं समझ जाती हूँ कि दुख हल्का नहीं है, हमारे राज लेके कहीं का कहीं तुम भोंकोगे, इसलिए हमसे बात ही मत करो। तो कोई भी हो, हम बात नहीं करते हैं और ना ही सभा में बैठना पसंद करते हैं। यानी सभा आप जान रहे हो कि जहाँ पर चार लोग हों वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता बैठना, या अगर बैठूं भी वहाँ पर तो मैं छुपी रहती हूँ, सबकी सुन लेती हूँ, वो करती मन का हूँ, वहाँ की बातें वहीं पर छोड़ के आती हूँ, घर के अंदर नहीं लेकर आती हूँ। चलो तो इस व्लॉग का एंडिंग करते हैं। थोड़ी सी वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे को नहीं पता कौन सी बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ से ख़त्म हुई, जो समझ में आया वो मैंने बोल दिया। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।